ये राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति है। आज उनका अंतिम संस्कार होना है और पूरे दिल्ली में आज शोक व्याप्त है। उनके निधन से हम लोग बहुत दुखी हैं। सर, कर्नाटका में चल रही है कि बीजेपी और कांग्रेस का ब्लेम गेम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना जारी है। 22 तारीख को यानी कि कल कॉन्फिडेंस वोटिंग होनी है। कर्नाटक में 22 जुलाई को अविश्वास मत पर मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता का और धन का प्रलोभन दिखा करके कर्नाटक में जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने का लगातार प्रयास कर रही है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है और जनता के सम्मान पर ये कुठाराघात है। लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रशासन, पुलिस और अपराधियों की मदद से विधायकों का अपहरण कर सत्ता का डर दिखा के और धन का लालच दिखा करके जिस तरीके से कर्नाटक में गैर भाजपाई सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है, ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय है। सोनभद्र में हुए नरसंहार में 11 लोगों की हत्या हुई, ये प्रदेश सरकार पर एक कलंक है। और जब विरोधी पार्टी के लोग पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे तब उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, रोक लिया गया। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। आज कई दिनों के बाद प्रदेश के पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के लोग और मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार के लोग हैं उनसे मिलने जा रहे हैं। लगातार पूरे प्रदेश में ऐसे ही नरसंहार हो रहे हैं और प्रदेश सरकार की लापरवाही है। अगर समय से पुलिस ने कार्रवाई की होती तो इतना बड़ा नरसंहार नहीं हुआ होता। प्रदेश सरकार और पुलिस की लापरवाही से इस नरसंहार में 11 लोगों की मौत हुई है, उसके लिए प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से दोषी और जिम्मेदार है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी का जो ये बयान है वो सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गैर कानूनी तरीके से प्रियंका गांधी को और नेताओं को रोकने का काम किया। प्रदेश सरकार नहीं चाहती थी कि ये प्रकरण आंदोलन बने और जब पूरे प्रदेश में सोनभद्र का नरसंहार से जनता में आक्रोश व्याप्त हो गया, आज तब प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर जा रहे हैं। ये प्रदेश सरकार की नाकामी, असफलता और लापरवाही का प्रतीक है। प्रदेश सरकार के गलत नीतियों के कारण से, लापरवाही से सोनभद्र में नरसंहार हुआ है। गाजियाबाद में एक बीजेपी तोमर की दासना में गोली मार के हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि हमलावर दोपहिये से आए थे और उनको पकड़ने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। गाजियाबाद में भाजपा के नेता डॉक्टर बीएस तोमर की हत्या कर दी गई।
ऐसी हत्याएं लगातार पूरे प्रदेश में हो रही हैं, अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है, लगातार बलात्कार, अपहरण, लूट और अपहरण का फिरौती की रकमें वसूल की जा रही हैं, अपराधी पूरी दबंगई से प्रदेश में सरकार चला रहे हैं और सरकार अपराधियों के आगे नतमस्तक हो गई है। ऐसा लगता है कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है और कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है। प्रदेश सरकार कानून का राज कायम करने में पूर्ण रूप से असफल हो गई है। ऐसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का और नैतिक अधिकार नहीं है। हापुड़ में एक आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब मोहम्मद शमीम का 128 करोड़ रुपए का बिजली का बिल आ गया है। पूरे प्रदेश में बिजली विभाग के ऐसी ही लगातार बिजली के बिलों में बढ़ा करके बिल आ रहे हैं और अब एक गरीब आदमी के ऊपर 128 करोड़ का बिल आना यह स्पष्ट करता है कि प्रदेश में अंधेर नगरी और चौपट राज हो गया है। कहीं बिजली नहीं आ रही है लेकिन बिजली के बिल आ रहे हैं। पूरे गांव में, जिलों में 6 घंटे से अधिक कहीं बिजली नहीं आ रही है और लगातार जनता परेशान है। बिजली की आवागमन से गर्मी के मौसम में जनता त्राही त्राही कर रही है और बिजली विभाग के लोग बिना बिजली दिए हुए बिल वसूल करने का काम कर रहे हैं। इसकी पूरी जांच हो और जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका गांधी जी सोनभद्र में जो नरसंहार में 11 लोगों की मौत हुई थी, उनके परिवार के जो पीड़ित लोग थे उनसे मिलने जा रही थी और जिस तरीके से प्रदेश की सरकार ने उनको रोका और धरने पर वो बैठी, ये प्रदेश सरकार के लिए एक बहुत शर्मनाक बात है। कांग्रेस में राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी जो गांधी परिवार की हैं, उनका लगभग अध्यक्ष बनना तय है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो इंदिरा गांधी नेहरू परिवार का ही होगा।